वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हम लोग हैं देवनार बकरा मंडी में और ये देखो देवनार बकरा मंडी भीग रही है पूरी बारिश में। बहुत ज़ोरदार बारिश चल रही है, पूरा मतलब बाहर खड़े हो ही नहीं सकते, इतनी बारिश हो रही है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक बार हम लोग बाड़ों में घुस के वीडियो बना रहे हैं। तो आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि सस्ते बकरे कहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ये एक कोशिश रहेगी कि यहाँ पे अगर बाड़ों में सस्ते बकरे अवेलेबल है कहीं पर तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो बकरे दिखाएंगे। और ये वीडियो में मोस्टली सब है ना सस्ते बकरे जो बजट में मिलेंगे, 12-15-25-40 हज़ार तक के बकरे इसमें बताएंगे आप लोग को इंशाल्लाह। तो हम लोग हैं देवनार बकरा मंडी में, यहाँ पर धक्का गेट है और यहाँ पर असगर भाई बैठे हैं, इम्तियाज़ भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। बकरे लेकर आए, काफी लेट लेकर आए भाई, क्या बात है, इतना लेट क्यों लेकर आए? हाँ भाई थोड़ा लेट हो गया, एक दो दिन लेट हो गया। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन माशाल्लाह बकरे बहुत अच्छे तैयारी को उतारे हैं। टोटल कितने बकरे लेकर आए इस घर पे वैसे? टोटल अभी फिलहाल 10 बकरे आए। 10 बकरे जी अभी फिलहाल। और भी हाँ और भी बकरे आएंगे आएंगे। जगह का थोड़ा इशू है ये बार का, थोड़ा एडजस्ट कर रहे। बकरे देख के क्या लग रहा है, लास्ट ईयर जैसे हैं? हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है ना। तो वैसे एक एक बकरा देखते हैं, वैसे अजगर भाई ये सबसे बड़ा बकरा अपने प्लॉट का, कितना मांग रहे हैं इसे? इसका 120 भाई। 120 कितने वजन पे होगा ये अप्रोक्सीमेटली भाई? ये बकरा 110 केजी पे था। 110 केजी अभी थोड़ा उतरा है, मतलब अभी 95 के आसपास रहेगा। 95 के आसपास रहेगा ये वाला? ये भाई नहीं बिच रहा, ये पलटी के लिए। पलटी के लिए देवनार घुमाने लगा, लेकिन फिर भी दिखा दो माशाल्लाह। ये वाला बकरा है पलटी के लिए, देवनार घुमाने लेकर आएगा। हाँ देवनार टहलाने के लिए नहीं लेकर आ रहा था, गलती से आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद में एक और एक है जी। हाँ वो भी है भाई। क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 55,000। 55,000 क्या वेट पे होगा ये? हो 65-70 होगा। 65-70 के बीच। 65-70,000 अरे सॉरी वेट 65-75 केजी तक। केजी के। उसके बाद में ये भी एक है। हाँ मेवाती भी बहुत ठोस बकरा है माशाल्लाह, बहुत ठोस बकरा है। 85-90 केजी होगा भाई। क्या मांग रहे हैं इसका? इसका 75,000। ये जो 75 इसमें नेगोशिएबल है। ये बकरा देख लो माशाल्लाह पूरा ठोस बच्चा है, गर्दन वगैरह देख लो, पैर भी देख लो माशाल्लाह बच्चे के। उसके बाद में एक गुलाबी कोटा। हाँ भाई वो गुलाबी कोटा है भाई माशाल्लाह, अभी तीसरा दांत कर रहा है बच्चा। तीसरा दांत कर रहा है वो, अपना मतलब पाला हुआ है बचपन से वो। पलटी हो सकता है ना अभी? हाँ पलटी के लिए ही है भाई वो चीज़। और उसके बाजू में आप देखोगे ना, हाँ वो भी माशाल्लाह बकरा। थोड़ा इधर आएंगे क्या माशाल्लाह? ये बच्चा मतलब पूरे लॉट में ना ये बच्चा एक मतलब अलग से सेपरेटली दिखता है। जी जी भाई ये बच्चे दोनों पाले हुए हैं ना यहीं पे बॉम्बे में सेट करके, बाकी सब तो 2 महीने हुआ, बाकी ये सब तो 7-8 महीने जब अपने पास ही है भाई। इसका क्या मांग रहा है असगर भाई? इसका डिमांडिंग 75,000। 75,000 क्या वेट होगा? हम लोग ने किए थे 85 केजी था। 85 केजी का लग रहा है थोड़ा ऊपर 10 माइनस में हुआ है, लेकिन माशाल्लाह ये खूबसूरती वाली चीज है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। चार दांत पे भाई बच्चा, चार दांत पे, पैर देख लो माशाल्लाह मोटे पैर का, मतलब वही डबल हड्डी का बोलते वही है। और ये भी बच्चा तीन दांत पे। इसका क्या मांग रहे हैं असगर भाई? इसका भी 75,000। और कौन से अपने बकरे वहाँ है भाई? वो कोने में, लेकिन ठीक है उसमें बैंटम भी है। हाँ बैंटम भी है। बैंटम बैंटम का कितना मांग रहे हैं? 25,000। क्या मतलब कितने दांत पे? छह दांत पे। बैंटम भी अच्छा खासा है और सिंग वगैरह सब अच्छा है माशाल्लाह। और एक जिंग है। जिंग भी है। जिंग का कितना मांग रहे हैं? जिंग का 30,000। वो कितने दांत पे? वो पूरा दांत कर लिया। पूरा दांत कर लिया। यहाँ पर असगर भाई का बाड़ा, अगर आप लोग वहाँ से आ रहे हो धक्का गेट वो साइड से पड़ता है, वहाँ पर सामने मुतरी बोलते जो है, उसके अंदर से घुसेंगे तो यहाँ पे पीछे ही असगर भाई का पूरा लॉट हमेशा 3 साल से तो ये बैठा। 2 साल से ये लग रहा है। देवनार मंडी देख के क्या लग रहा है, मतलब इतने बकरे आ गए, कस्टमर नहीं है? जी हाँ कस्टमर नहीं है भाई, इतने मतलब इतने लेवल लोग अभी नहीं दिख रहे, होंगे मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद मेरे ख्याल से वो फुट ज्यादा भिड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन बकरे की जो काउंटिंग है जो बताता है हर साल, वो प्रॉपरली लग रहा है क्या? वो तो उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मेरे को काउंटिंग प्रॉपर नहीं लग रहा है, मतलब बकरे बहुत आ गए हैं। बकरे बहुत है ना? जी जी बकरे बहुत आ गए। बकरे मार्केट में हो रहे तो क्या लग रहा है, मंडी सक्सेसफुल होगी या पिटेगी? जैसे लास्ट वीडियो में आपके बोला था मैं कितना एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मंडी क्या कहाँ जाएगी। इम्तियाज भाई से पूछता हूँ, इम्तियाज भाई ये साल बकरे जो है नंबर जो बोर्ड पे शो हो रहा है उससे ज्यादा लग रहे हैं, क्या लगता है? 100% भाई ज्यादा है, पैर रखने जगह नहीं, इतने बकरे आ गए कि बीएमसी अभी बाड़ा नंबर अलॉट करना बंद कर दिए। मतलब बोले भाई जिसको जहाँ बसाना है गांव बसा दो। अच्छा आई डोंट थिंक सो, मतलब जो काउंट दिखा रहा है उतना है, ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही है ना, तो ये बार मतलब सक्सेसफुल होगी पिटेगी क्या होगा? अपन तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत, आज से इतना मेहनत करते साल भर किसान लोग लाते तो पिटे नहीं भाई, अभी ये पिटने वाला बम्बे वालों का सब भूल जाना चाहिए। बम्बे वालों वो तो है, चानस लास्ट मोमेंट में बारिश गिरी 50 का बकरा 20 में लेके जाओ है ना, लेकिन मतलब फिर भी मतलब एवरेज रेट में मिल जाएंगे बकरे? मिल ही रहे, अच्छे
मिल रहे भाई, जो हम लोग समझ रहे, जो हमारे सामने सौदे हो रहे, नॉर्मली 450 से लेकर 550 में खस्सी मिल रहे, 60-70-80 के जिस तक, और कच्ची है भाई। ठीक है, अंडूल भी अच्छे रेट में दे रहे हैं, 600 का एवरेज बैठ रहा है, 710 भी बैठ रहा है। ठीक है, तो बड़े बकरे हो तो भाई जो 80-90-100 किलो के उसको तो भाई लगता है ना बराबर। तो असगर भाई, असगर भाई यहाँ पर तो हम लोग ने बकरे ऑलमोस्ट देख लिए माशाल्लाह, उसमें मतलब ये एक बहुत ही साइज में, अगर ये बोले साइज में ये है, खूबसूरती में बोले तो ये वाला बच्चा है माशाल्लाह, ब्लैक वाला। तो अपने पास जो है एक बड़ा बकरा भी है, कि है कि नहीं है, क्या है वो बताओ तो अभी, तो ईद आ रही है, बड़ा बकरा तो रहता ही है। हाँ, ये बार भी है बकरा, बकरे और भी है बहुत सारे भाई फार्म पे, कुर्ला में अपनी जगह पे रखे हैं बकरे। कितने बकरे टोटल अभी सेलिंग के लिए? अभी टोटल समझो 10-12 कोटे और है और बेचने के। हाँ, वो एवरेज है, मतलब 50-60 किलो 80 किलो वो है, और एक बड़ा बकरा अपना है वो 145 kg तुला है, 145 kg तुला है। हाँ, भराई का बकरा है भाई, भराई का बकरा, अभी अंधेरी में है, जिसको भी देखने का रहेगा तो अंधेरी में इंशाल्लाह वो जाके देख सकते, अंधेरी में जाके देख सकते। 145 केजी पे भराई का बकरा है, भराई पे था, अभी मतलब अभी आया है, दो तीन दिन हुआ है, तो बकरा थोड़ा 19-20 चल रहा है। हाँ, मतलब 18-20 बोल सकते, 19-20 और 105-110 केजी का भी बकरा इंशाल्लाह वो भी आएगा देवनार तक। अच्छा, देवनार में आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा मसला था इसलिए लाए नहीं, एक दो दिन में थोड़ा सेटल हो जाए ना सब, फिर माल यहाँ का भी जगह हो जाए तो। वो बड़ा बकरा तो नहीं आने वाला है मतलब देवनार, देखते हैं इंशाल्लाह, अगर सोल्ड हो गया तो देवनार सोल्ड हो गया तो नहीं आएगा, नहीं तो आएगा, आएगा ना इंशाल्लाह, बात चालू है, एक दो बात चल रही है ना। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर बोल दो, 9920-59074। ठीक है, तो असगर भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, बड़े बकरे हैं। हाँ, और कुछ कोटा अवेलेबल है। हाँ, तो अगर किसी को चाहिए तो ये ऐसे मतलब माशाल्लाह कोटा आप लोग देख सकते हैं, क्वालिटी तो असगर भाई के पास इंशाल्लाह मिल जाएगी ना। ठीक, चलिए सलाम वालेकुम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बजट में बकरे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे साइज के बकरे, किसके बकरे हैं सब, किसके बकरे हैं, आपके बकरे क्या क्या रेट में देने गए बकरे? सबसे सबसे सस्ता कौन सा वाला बकरा है? सबसे सस्ता तो रेटों का, कम रेटों का 12,000-15,000 बताओ बताओ, वही देखने आए हैं मतलब व्यूअर को बताने के लिए, सस्ते बकरे की सस्ता ऐसा है 12,000 का कौन सा वाला है बताओ? 12,000 छोटा था हमारे पास, बताओ बताओ, अंदर बैठा आराम कर रहा है, आराम कर रहा है। उसके बाद में ये समझो ये वाला कितने का है, काला वाला खड़ा है, ये काला वाला 17,000 का है, 17,000 का आ जाएगा काला वाला। और वो वाला जो लाल वाला खड़ा है, ये लाल, हाँ, 21,000 का है, 21,000 का। कितने किलो का रहेगा वो? 35-30 किलो रहेगा, 30 किलो रहेगा, 30 किलो का बकरा रहेगा। और सबसे भारी वाला कितने तक आ जाएगा? भारी वाला तो एक से एक महंगा है, भारी वाला तो फिर 20,000 का ले लो, 50,000 का ले लो, वहाँ पर है इसमें ये। हाँ बताओ कितने भारी है, बताओ चलो। ये एक बाड़ा इनका है, यहाँ पर ही भारी वाले बकरे हैं। ये वाला बर्बरी कितने तक आ जाएगा? ये बर्बरी ये आएगा कम से कम 55,000-60,000 का, 55-60,000 का। क्या ऐसा खास है मतलब, कितने किलो का रहेगा? ये हिरन चाप है, हिरन चाप तो है, लेकिन इसमें गोश्त निकलेगा 40-35 किलो। गोश्त नहीं मतलब जिंदा वजन कितना रहेगा? जिंदा वजन तो इसमें इतना बैठेगा कि चलेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, कितना वजन रहेगा? जिंदा वजन तो इसमें बैठेगा ये लगभग 90 किलो। 90 किलो तो नहीं होगा, 90-85 किलो ही बैठेगा इसमें जिंदा वजन। अच्छा ठीक है, 90-85 किलो बोल रहे हैं ना, ठोस होता है। ठीक है, और इसमें सस्ते वाले कौन से बकरे? सस्ते वाले तो ये सबसे सस्ते हैं। ये क्या दांत किए हुए बकरे? वो दांत करे हुए? अरे ये दाते हैं ना, दाती है। हाँ, दाते हैं। क्या भाव से दे देंगे ये दोनों बच्चे? ये दोनों ऐसे पड़ जाएंगे करीबन 20,000 के। 20,000 के? इतने छोटे बच्चे? इतना छोटा ये पालने के मतलब से जाता है, पालने के हिसाब से। हाँ, पालने के हिसाब से जाता है। ये वाला कितने तक दे देंगे? ये वाला 45,000 रुपये। ये वाला बड़ा वाला? ये वाला 52,000 रुपये। 52, इसमें कुछ कम ज्यादा हो जाएगा? फाइनल रेट कितने तक दे देंगे ये वाला? फाइनल ये नकद कंपनी पर हो जाएगा वो, फाइनल लास्ट कितने तक देने का? इसमें लास्ट नहीं चलता भैया, इसमें लास्ट नहीं चलता, लास्ट नहीं होगा लास्ट, वो तो आप बात करोगे हम बात करेंगे उसके बाद में लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अंडू में है? अंडू है ना, अंडू ये देखो, ये बड़ा अंडू वो है, वो अंडू बड़ा है, वो वाला क्या क्या मांग रहे हैं अंडू का? अंडू ये है का बड़ा, कितना मांग रहे इसका? ये वाला ये 35,000 रुपये मांग रहे इसका, इसका 40,000 रुपये मांग रहे हैं।
ठीक है, इसमें भी कम ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। अपना बाड़ा नंबर क्या है? बाड़ा नंबर 137 है, वो 127। 127 बाड़ा नंबर 127 है यहाँ पे। ये देखो ये S5 है ना? है? S5 है ना? अरे हाँ S5 भी मान लो, लेकिन नंबर चेंज हो गया क्रम उसके कुछ। ये 972 है यहाँ पे, देखो 972 लिखा हुआ है। ये धक्का गेट है, यहाँ से घुसोगे आप यहीं पर है यहाँ पे इनका बाड़ा। ठीक है, क्या नाम है आपका? बबलू कुरैशी। ठीक है, खड़े अभी 919 बाड़ा नंबर में। यहाँ पर हमारे पास तंजील भाई भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भीग गए भाई तुम्हारा पूरा? क्या करेंगे, भीगना पड़ेगा, बारिश फटे हो रही है ना, कुछ ना कुछ है ना। यहाँ पर ये भाई है, क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम अशोक है, ये हमारे बड़े भैया है। क्या नाम है? अशोक है। और आपका नाम क्या है? भागीरथ। आवाज थोड़ा जोर से बोलो। भागीरथ भाई। कहाँ से आए हो आप लोग? राजस्थान से आए हो। तो ये जितने बकरे हैं अपने पास के पले हुए हैं, क्या है? ये हमारे पास के पले हुए। पास के पले, थोड़ा सा जोर से बोलना, बारिश बहुत ज्यादा है। हमारे पास के पले हुए, अपने पास के पले हुए। वैसे सबसे सस्ते कितने तक आ जाएंगे बकरे? लोग सस्ता सुंदर आ जाएगा 25,000 का। 25,000 में कौन सा वाला? 25,000 का बताएंगे जरा। ये वाला 25,000 तक आ जाएगा? हाँ यही है। अरे अगर भाई ने बोल दिए, यही आएगा, बोल दिए भाई ने, बस कहानी खत्म। 25,000 में आ जाएगा। 25,000 रुपए में ऐसा बकरा आ जाएगा इनके पास इंशाल्लाह, है ना। और कितने बकरे हैं, मतलब टोटल कितने बकरे हैं अपने पास? 80 बकरे हैं। सबसे सस्ता वाला बताओ, एकदम सस्ता वाला सबसे सस्ता बताओ। सबसे सस्ता 2,000 का। तुम आएंगे? मैं आऊंगा ना। तुम आएंगे? नहीं भाई, तुमको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन तुम बताओ सबसे सस्ता वाला बकरा कितने तक आएगा? ₹8,000 का बताओ। चलो ₹8,000 का बकरा है। लो ₹8,000 का बकरा दे रहे तुम्हारे को। बताओ ₹8,000 का बकरा कौन सा वाला मिल जाएगा? आओ ये देखो गाइस, ₹8,000 का बकरा मिल रहा है तुम लोगों को। अगर किसी को बजट में कुर्बानी चाहिए, एकदम जबान पे रहना भाई। अगर कोई आता है लेने ₹8,000 में, पलटना मत। ₹8,000 में बकरा दे रहे। बकरे का साइज देख लेते हैं। ये दांत किया है क्या? हाँ दांत किया हुआ। बताओ दांत बताओ। ये देखो दांत किया हुआ है। ₹8,000 में ये बकरा मिल जाएगा। कितना? 20-25 किलो का होगा। हाँ 20-25 किलो का बकरा होगा, ₹8,000 में मिल जाएगा। उसके बाद में ये वाला बच्चा कितने तक दे देंगे? ये वाला ये मिलेगा 20,000। 20,000 रुपये में? ठीक है। ये अंडू खड़ा है, ये कितने तक दे देंगे? 35,000। क्या वजन पे रहेगा ये? 80 किलो। 80 किलो का रहेगा। 75 भी पकड़ के चलते है ना। 75 कितना बोले आपने इसका प्राइस? 35,000 रुपये। उसके बाजू में उसका जोड़ीदार खड़ा है, वो कितने तक दे देंगे? वो इतने का ही, एक ही रेट में। तो ये भी 35 में मिलेगा आप लोग को, ये भी 35 में मिलेगा। ये पूरा गर्म है, सोजत में है। आप लोग देख लो बच्चा, माशाल्लाह पूरा गर्म बच्चा है। और भी है इसमें बच्चे जो भारी है थोड़े। ये वाला बच्चा कितने तक आ जाएगा? कहाँ चले गए भाई? अरे तुम उधर हो, मैं तुम्हारे को इधर ढूंढ रहा हूँ। तुम उधर खड़े, मैं तुम्हारे को इधर ढूंढ रहा हूँ। ये वाला बच्चा कितने तक आ जाएगा? ये वाला लाल, ये 2,80,000। 80,000 रुपये में? एक बताओ, एक एक के 42,000। 42,000 रुपये? 2,000 रुपये बढ़ा देते यार तुम। नहीं ये दोनों मिला के देते ना 80,000। तो 80,000 मतलब एक का 40,000 ना? हाँ तो ऐसा बोलो ना 40,000। इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा ना? हाँ कम ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये भी अंडुल बकरे हैं। टोटल अपने बाड़े में कितने बकरे हैं? 80 बकरे हैं। कुछ बिके अभी तक? हाँ बिके, 30 बकरे बिके। 30 बकरे बिक गए। तो अभी है इतने बकरे इनके पास अवेलेबल। इनका बाड़ा नंबर क्या आपका? 919 बाड़ा नंबर है S4 में। तो आप लोग देख सकते हैं, बजट में भी बकरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग को। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग बारिश में फुल टू भीग रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग अंदर शेड के अंदर पहुँचे हैं। देखो ये व्यापारी लोग बेचारे खुद से अपने हाथों से पानी निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आए हो आप? हम पोखरण से। पोखरण से? ये कहाँ है? राजस्थान में आया? राजस्थान से आए। तो अभी तो बारिश चालू हो गई, क्या लगता है इतने सारे बकरे एक साथ मंडी में आ गए तो कैसा, मतलब रेट हाई रहेगा कम रहेगा, क्या लगता है आपको? रेट हाई रहने वाला है, क्योंकि इस बार इतनी बरसात हो गई और लोगों ने जो ग्राहक है वो बकरे खरीद नहीं पाए। बराबर। लास्ट के अंदर वही होगा, अफरा तफरी होगा, क्योंकि सब है जो ग्राहक
आने शुरू हो जाएंगे। बराबर। अभी तो जो ग्राहक आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, सिटी के बाहर से। मेन सिटी के जो ग्राहक है वो हमेशा ईद के 3-4 दिन पहले आते हैं। 3-4 दिन पहले आते हैं। हाँ, बरसात की वजह से बड़ा अभी आ नहीं पा रहे। और लास्ट में जो है बकरा जो आए अभी तो 1 लाख आए। आप कभी आए हो? हम तो 2 दिन हो गए। कल 2 दिन हो गए। कितने बकरे लाए थे आपने? हम लाए थे 125। 125। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीब खान। नजीब खान। नजीब खान जी। तो भाई मतलब कितने बकरे लाए आपने बोले? 125। 125। अभी कितने सेल हुए? मेरे सेल हो गए 35 बकरे। 35 बकरे सेल हो गए। मतलब कितने बचे? 95 रह गए। तो इसमें कुछ बजट में है क्या? क्योंकि वीडियो जो बना रहे हम लोग थोड़े बजट वाले बकरे बता रहे हैं। कुछ बजट में मिल जाएंगे लोगों को? जो मेरे पास माल है वो प्योर सोजत माल है। सोजत माल है। सोजत माल। अपने घर के पले हुए बच्चे? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा सोजत में पूरा वाइट माल है इनका। ये देखो माशाल्लाह एकदम ठोस बच्चा है, भरा हुआ बच्चा है एकदम। 100+। 100+। ठीक है। तो क्या मांग रहे हैं इसका आप? इसका हम 70,000 मांग रहे हैं। 70,000 रुपये मांग रहे हैं। यानी हम 70,000 मांग रहे हैं। 650 रुपये केजी मांग। 650 रुपये के हिसाब से दे। हाँ, ये मान चलो। लेकिन जो सोजत होते हैं वो 800+ रहते हैं, 800 रुपये केजी। अच्छा, बिकते हम ये रिजनेबल रेट में। तो इसका 70,000 रुपये बोले आपने। हाँ। इसमें सबसे सस्ता बकरा कितने तक आ जाएगा आपका? सबसे सस्ता बकरा जैसे वो एक खड़ा है वो थोड़ा दुबला दिख रहा है वो वाला, वो कितने तक आ जाएगा? वो आ जाएगा 30,000 28,000। 28,000 तक आ जाएगा। कितने किलो का होगा वो? वो किलो का होगा लमसम 60 के समथिंग होगा। 55 केजी तक का होगा। हाँ, 55 केजी तक का होगा। बिल्कुल। और इसमें इसमें सब खस्सी बकरे के अंडुल भी है? सब खस्सी बकरे हैं और 4 मेंढे भी हैं। 4 मेंढे राजस्थानी है। एक ये, एक दो तीन, ये है ये तीन, एक ये ये 4। मेंढों का क्या रेट मांग रहे हैं आप? मेंढों की रेट हम 35 की 25 3 का मांग रहे हैं। एक छोटा उसका 25 मांग रहे। इसका 25,000 रुपये मांग रहे हैं। ये 35,000 रुपये से मिलेगा। 35। ये क्या वजन पे होगा सबसे बड़ा? ये वाला ये समथिंग है 90 किलो का होगा। 90 किलो का। अपना तोले हुए ना सब बकरे? बिल्कुल, बकरे एक बकरा तोला हुआ है। तोला हुआ है। ये देखो ये चाचा लेके खड़े एक बकरा। टोटल 12 किलो समथिंग है। 112 किलो का बकरा है। 112 किलो का। अब क्या है गाड़ी में आया तो थोड़ा 19-20 तो हो ही जाता है। हो जाता है। तो इसका क्या मांग रहे हो सर? इसका मांग रहे हैं 80,000 रुपये मांग रहे। 80,000 रुपये मांग रहे हैं। वाइट बकरा है। कितने दांत पे वो? ये 4 दांत का है। 4 दांत पे। बताओ दांत एक मिनट इसका बताओ। 4 दांत पे बोल रहे हैं माशाल्लाह। अगर 4 दांत पे है वाकई में तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो माशाल्लाह ये बच्चा देखो, ये पूरा भरा हुआ बच्चा है। कितने दांत पे? 6 पे लगा। 6 पे। 6 दांत किया हुआ बच्चा है। लेकिन माशाल्लाह ये भी अच्छा बच्चा है। ये चाचा ले, ये 2 दांत पे है। थोड़ा सा घुमाओ ना चाचा। ये देखो, ये अगर कोई लेके पालता है ना माशाल्लाह तो ये और गोल फुटबॉल हो जाएगा और बनेगा। इसका वजन खूब बढ़ाएगा क्योंकि एक सोजत है और इसका जो है ना कपड़ा वो प्योर मुखमली है, खरगोश की तरह है माशाल्लाह। सब बनावट भी बहुत जबरदस्त है बच्चे की। लमसम मेरे जो बकरे हैं वो 2 दांत के। 2 दांत के। वो वाला जो है वो अलग बच्चा। हाँ, वो भी शायद 2 दांत। 2 दांत पे। बिल्कुल। लमसम 2 दांत। इसका कितना मांग रहे हैं ये वाले का? इसका इसका मैं 50,000 मांग रहा हूँ। 50,000। 50,000। 50,000। ठीक है सर, 50,000 रुपये मांग रहे हैं। हाँ, और इसका समथिंग 75 से 80 हो जाएगा। 75 से 80 के जी होगा, इजीली होगा। लेकिन माशाल्लाह इनके जितने भी बकरे आप लोग देख रहे हैं ना, सामने से भी आप देखोगे ना एकदम ठोस बच्चे, सीना भी भरा हुआ है बच्चों का। देखो जैसे ये बकरा ले लो, वो सामने खड़ा है, वो बच्चा ले लो, ये बच्चा ले लो, सब माशाल्लाह देखो बनावटी बहुत अच्छे बच्चे। अपना बाड़ा नंबर क्या है वैसे? मेरा बाड़ा नंबर है 854। 854। अपना नंबर देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बोलिए। 8619680591। तो अगर किसी को जैसे अभी लॉट भी लेते हैं लोग मुंबई वाले, बिल्कुल, तो आप मतलब महीने के टाइम पे लॉट भी प्रोवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल, मतलब दे सकते हैं से, अपने फॉर्म से। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आपने फार्म का नाम क्या है? मेरा फार्म का नाम है मेहर फार्म। तो आपका नंबर कुछ कार्ड वगैरह है आपका? नहीं, कार्ड नहीं, नंबर ही है। नंबर बोल दीजिए एक बार। 8619680509। ठीक है, तो आपका नंबर भी डाल देंगे इंशाल्लाह। आप लोग को अगर सोजत में ऐसी क्वालिटी में बच्चे चाहिए, डायरेक्टली आप पूरा अगर लॉट भी खरीदना चाहते हैं कि प्रोवाइड कर सकते हैं ना? बिल्कुल, 50, 100, 150 जितना चाहिए, जितने जितने बकरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप लोग कश्मीरी बच्चे देख सकते हो, मतलब सब बड़े बड़े सिक्के के बच्चे हैं। और हाइट तो देखो माशाल्लाह, हाइट क्या है, 40, 41, 42, 43, मेरे को लगता है 44 हाइट तक के बकरे आप लोग को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे ये देखो साइज देखो बकरों का।
ये देखो एक मुश्किल बकरा जो है जो पकड़ में नहीं आता है वो राहुल भाई ने पकड़ लिया। देखो माशाल्लाह, ये देखो एक बड़ा भाई, थोड़ा इसको आगे भगाओ ना, हाँ थोड़ा इसको करीब लो, मुंडी ऊपर लो उसकी, हाँ माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह पूरे चंचल बच्चे हैं सब ये बाड़े के। देवनार बकरा मंडी में बारिश काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब इतनी ज़्यादा बारिश है। राहुल भाई कैसे हो आप? आप बॉम्बे से ही हो ना? वैसे बात हुई थी मतलब आपके भाई से, तो क्या नाम है भाई का जो बकरे लेकर आते हैं? रिजवान भाई। रिजवान भाई लेकर आते बकरे, तो माशाल्लाह इसमें कश्मीरी देख रहे हैं सब, बड़े साइज वाले कश्मीरी। यहाँ पर आप लोग को मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कश्मीरियों के, माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े बड़े साइज के कश्मीरी देखो, माशाल्लाह वाइट में है, कलरफुल में है, ऑलमोस्ट 42-43 हाइट के कश्मीरी बच्चे हैं। ये देखो इसके सिक्के देखो माशाल्लाह, सबके सिक्के बड़े बड़े। तो राहुल भाई कितने बकरे हैं टोटल अपने बाड़े में? अपने बाड़े में 60 बकरे। 60 बकरे हैं, तो क्या वजन से सबसे छोटा वाला बकरा बताओ पहले, तो छोटा वाला बकरा देख रहे हैं, बकरा सबसे छोटा बच्चा बताओ अपने बाड़े का। ये देखो माशाल्लाह, बाकी मैं आप लोग को और ये भी कौन सा, ये सब में छोटा है, क्या क्या वजन पे रहेगा ये अपना 55 किलो। क्या मांग रहे इसका? 48,000 मांग रहे हैं। और इसमें थोड़ा और इसमें रेंज में जाएंगे 48 के ऊपर वाले कौन से बकरे वो है? ये वाला कितने तक दे देंगे, ये जो बड़ा वाला है? ये वाला हाँ, ये 60,000। 60,000 रुपये मांग रहे हैं। इसका क्या दांत पे होगा? ये 6 दांत। 6 दांत पे, ठीक है। इसके बाद में और बकरे बताओ, जैसे व्हाइट वाला है, ये पूरा व्हाइट वाला है, बताओ ना इसको व्हाइट वाला कितना भाग, पकड़ो तो इसको, एक बकरा पकड़ो तो यार, इसके बाजू में जाएंगे तो भाग जाता है। लेकिन माशाल्लाह ये आप लोग बकरे देख सकते हो, एक से बढ़कर एक है। कोई भी एक बड़ा बकरा आप पकड़ सकते हो तो पकड़ के बताओ ना जरा, ये वाला बकरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो राहुल भाई, थोड़ा अपने करीब लो उसको बकरे को, माशाल्लाह हाइट देखो बकरे की, कश्मीरी बकरे है माशाल्लाह। एक ये देखो माशाल्लाह बकरे, पूरे सब चंचल बकरे, ये देखो माशाल्लाह पूरा कश्मीरी बच्चों का लॉट है। ये देखो ये भी एक बच्चा है, सिक्के देखो इसके, सिर्फ सिक्के देखो माशाल्लाह। ये सब बकरों का भी शौक जो है, रुकाते हैं ना लोग, ये सब बकरे पलटी भी मारते ना लोग माशाल्लाह। ये भाई का सिर्फ कश्मीरियों का ही वो है, तो सिर्फ कश्मीरी बेचते हैं ना, तो अपना साल भर का है कि सिर्फ ईद के टाइम का है? नहीं, साल भर कश्मीरी बेचते हैं, तो मतलब छोटे साइज के भी कश्मीरी आते हैं, वो भी मिल जाएंगे लोगों को, भी आते हैं बड़े भी आते हैं। तो जैसे बॉम्बे में भाई को रिजवान भाई को बोलेंगे ना, आपको हर चीज ला के देंगे कश्मीरी में, हर चीज कश्मीरी में, हर ब्रीड मिल जाएगी, मतलब बड़ी छोटी सब मिल जाएगी ना छोटी। तो अभी सबसे सस्ता आपने 48,000 का बताया, सबसे महंगा वाला बता दो कितने तक आ जाएगा? ये है ना ये वाला 80,000 का व्हाइट वाला आ जाएगा, तो यही रेंज में आएंगे 48 के ऊपर ही सब बकरे, 48,000 के नीचे कोई बकरा नहीं है, 48,000 के सब ऊपर बकरे माशाल्लाह कश्मीरी आप लोग देख सकते हो। राहुल भाई अपना बाड़ा नंबर बोल दो ना एक बार। 853 853 नंबर देना चाहेंगे क्या? ले लो 7715 4757 4757। अरे एक मिनट सॉरी, 7715 9745 35, ठीक है। तो ये राहुल भाई का नंबर है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा कश्मीरी का लॉट है इनका, अगर आप लोग को चाहिए तो भाड़े पे आ सकते हैं, बाड़ा नंबर भी मेंशन कर दिया गया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। तो हम लोग हैं देवनार बकरा मंडी में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पटेल गोल्ड फार्म, जो इनके पास ऑल टाइप्स ऑफ गोट अवेलेबल है, ऑनलाइन और परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, एग्जॉटिक गोट फार्म के हैं। और इनका फार्म जो है करजत में, हमारे साथ में फाद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो भाई आप? भाई नेरल से आए हुए। नेरल से? हाँ भाई। तो यहाँ पे करजत लिखा हुआ है, एक्चुअल में स्टेशन कौन सा पड़ता है आपके फार्म? नेरल भाई। नेरल पर 2 किलोमीटर। नेरल से 2 किलोमीटर। और अगर करजत से कोई आता है तो? करजत से अगर कोई आएगा ना भाई, तो अपने यहाँ पे 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। तो एग्जैक्टली मतलब अगर कोई बाय रोड आ रहा है तो? बाय रोड, हाँ बाय रोड आएगा भाई, फोन करो नेरल स्टेशन पहुंच के, पिकअप सर्विस है अपना। पिकअप सर्विस है, नेरल स्टेशन पहुंच के फोन करो, पिकअप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई अपने कितने बकरे लेकर आए वैसे? भाई अपने पास अभी 40 में गए। एक मिनट, हाँ भाई कितने बकरे लाए वैसे अपने? अल्हम्दुलिल्लाह भाई 40 में गए अपने पास, 40 बकरे। इसमें खस्सी कितने और अंडुल कितने? मेरा भाई अपने पास 19 खस्सी है। 19 खस्सी है? चलो चलो वो होते रहता भाई, बकरे की वीडियो बनाओ तो।
19 खस्सी और अंडुल कितने? 19 भाई अपने पास 18 अंडुल ही बच्चे हैं। 18-19 बजे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। माशाल्लाह सबसे खूबसूरत बच्चा दिख रहा है आपके बाड़े का। माशाल्लाह भाई सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड हो गया ये? इसको नीलाया अपन ने सोल्ड। अच्छा नीलाया सोल्ड आउट हो गया। पूरा तर गुलाबी बच्चा है। स्टार्टिंग है भाई अपने पास, मैं आओ बताता हूँ। हाँ भाई आ जाओ। माशाल्लाह भाई बहुत एग्रेसिव बच्चा है। कोटा में क्या डिटेल है भाई? अभी तीसरा दांत कर रहा है भाई। तीसरा दांत कर रहा है ये मारेगा तो ना? नहीं ना भाई। हाँ दो दांत पे क्या मांग रहे वैसे इसका भाई? इसको अपन फाइनल 40 में दे देंगे। 40,000 रुपये में दे देंगे। 40-45 के जी वेट आएगा इसका। ठीक है बहुत एग्रेसिव है भाई। इसका बाप हम लोग ने 1,20,000 रुपये बेचा। अच्छा ब्लड लाइन है भाई। ब्लड लाइन का बच्चा अपने फार्म का ही है? हाँ भाई। और इसमें स्टार्टिंग है अपने पास और अपने फार्म का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे महंगा बकरा सरकार है। कारोली कोटा है माशाल्लाह। देख सकते हो आप लोग फुल जेड ब्लैक। जेड ब्लैक तो नहीं, इसमें कारोली में है। फ्रेश छह दाँत है। छह दाँत पे झालर देखो बच्चे की माशाल्लाह। छह दाँत पे है और अभी मेरे को मार चुका है बकरा। अभी इसका वेट अपन देखेंगे तो 75 के क्रॉस ही आएगा। 75 क्रॉस है बच्चे का। एकदम फ्रेंडली बच्चा है भाई। क्या मांग रहे इसका? इसका भाई अपन बोल रहे 82 स्लाइटली नेगोशिएबल है। स्लाइटली नेगोशिएबल है ठीक है तो 82 मांग रहे। उसके बाद में एक और एक कोटा दिख रहा है माशाल्लाह। ये है तेरा मुफासा है भाई। मुफासा नाम का बच्चा है माशाल्लाह। इसके सिक्के बड़े प्यारे हैं। क्या डिटेल पे? ये फ्रेश छह दांत लगाया है इसमें। छह दांत लगाया है ठीक है। और बहुत एग्रेसिव है भाई। बहुत एग्रेसिव है। बहुत एग्रेसिव। और इसका वेट अप्रोक्स आ जाएगा आपको 60-65 के जी वेट रहेगा माशाल्लाह। इसका चेहरा बहुत बड़ा है भाई माशाल्लाह। भाई फ्रेश छह दांत लगाया है। देखो झालर देखो बच्चे। झालर वाला बच्चा है। उसके बाद में एक बीटल दिख रहा है सामने भाई। बीटल भाई हैदर है इसका नाम। हैदर नाम है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा नाम है। और बकरे क्या डिटेल पे? ब्लड लाइन पे फुल और वाइट आइज में। वाइट आइज में काम देखो बच्चे की। हाँ माशाल्लाह। फ्रेश 8 दांत ठीक है। और 75-80 के जी अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाएगा। अभी खाना नहीं खाया बकरे ने ठीक है। और इसको भी अपन 80 में दे देंगे। इसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। नेगोशिएबल हो जाएगा। 80,000 मांग रहे नेगोशिएट हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो एक और एक कोटा फुल मेंटल है। इसका नाम ही मेंटल है। मेंटल ही नाम है इसका। नाम ही मेंटल। जलेबी सिक्कों में देख लो एक बार। सिक्के देखो जलेबी सिक्के देखो माशाल्लाह। रिंकल्स देखो इसके चेहरे पे। रिंकल्स का पैसा है देखो। ये फ्रेश लगाया है भाई। छह दांत फ्रेश है। पल्टी वाली चीज है। छह दांत अभी लगा ही रहा। छह दांत लगा रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में है। तो क्या मांग रहे हैं भाई इसका? भाई इसका अपन आस्किंग 60,000 रखे। क्या वेट पे होगा ये? 55-60 केजी करेगा ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और बकरे ये वाला। इसका क्या मांग रहे? ये मालवा भाई। क्या मांग रहे भाई? इसका नाम शॉटगन है। शॉटगन। हाँ शॉटगन ही है भाई। वो भी ये हरकत तो उससे लग ही रहा है। ये देखो ये है। किसी को चाहिए रहता है इसे बकरे तो आप लोग। चार दांत पे है। खेलने वाला बच्चा है। दाढ़ी देखो उसकी। मार तोड़े क्या भाई ये? क्या अरे भाई लेओ लड़ाओ। कुर्बानी के बकरे लड़ाओ। हाँ भाई जानवर ये देखो माशाल्लाह। ये मतलब बहुत दिखने में आ रहा है पूरे बाड़े में मतलब कुछ है बड़ा बकरा तो ये एक है माशाल्लाह। क्या डिटेल पे रहेगा भाई ये? ये भाई 40 की हाइट है। 40 की हाइट है। 85 केजी कंफर्म है ठीक है। और फ्रेश 8 दांत है। 8 दांत है। क्या स्कीम प्राइस इसका? इसका भाई अपन देंगे 80 में। ये भी नेगोशिएबल। 80,000 नेगोशिएबल। 80,000 नेगोशिएबल। खस्सी में दिखा दो भाई। ये खस्सी में माशाल्लाह बच्चा देखो तो ये मार नहीं देवे मेरे को। व्हाइट आइज में व्हाइट आइज तो नहीं है भाई। भाई हाँ भाई एक साल से जानवर। नहीं एक्चुअल में लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है ये बच्चा देखो। हाँ इसका कितना मांग रहे भाई? खस्सियों का आप लोग कॉल करो। स्टार्टिंग प्राइस क्या है फिर भी? स्टार्टिंग प्राइस खस्सी में अपने पास भाई स्टार्टिंग 25,000 से। 25,000 से तोतापरी बच्चा वहाँ पे माशाल्लाह। वो वाला जो खड़ा है ना खड़ा आगे वो 25,000 तक आ जाएगा ठीक है। ये बच्चा देखो माशाल्लाह ये भी गुलाबी बच्चा है। ये देखो पूरा व्हाइट फ्रेश छह दांत। यहाँ पे और दो अंडू 3 अंडुल बकरे लाइन से। क्या मांग रहे इसका? अजमेरा है कौन सा? नहीं भाई ये मालवा है। मालवा में? मालवा। हाँ मालवा है। ये देखो लाल बकरा है माशाल्लाह। 85 केजी। हाँ भाई क्या मांग रहे इसका? 8 दांत। इसका भी अपन भाई डिमांड कर रहे हैं 65। उसके बाद एक और एक कारोली है माशाल्लाह। जलेबी सिक्कों में फुल ब्लैक। और कार ले भाई ये भी मेंटल है। हाँ वाह माशाल्लाह। इसके कानों की लेंथ देखो। अगर किसी को ब्रीडिंग के लिए चाहिए ना भाई यही बहुत अच्छा बच्चा है भाई ये। क्या मांग रहे हैं इसका वैसे? इसका भाई अपन डिमांड कर रहे हैं 60,000। इसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा ठीक है।
और ये वाला एक कोटा है बड़े सिक्कों में। अच्छा डिसाइड नहीं किया, तो क्या रहने वाला है वापस जाने वाला? नहीं इसको रखने का बोले। अच्छा माइंड बन रहा है, ठीक है। तो टोटल बकरे इनके पास कितने भाई बोले आपने? हाँ भाई एक 38 बच्चे। 38 बच्चे, ये बच्चा दिखाओ भाई। कौन सा वाला? मेरी बात मिलाना है बस आपको। हाँ माशाल्लाह। सूजत जानवर है फ्रेश, छह दांत, फ्रेश छह दांत पे माशाल्लाह। ये भी गुलाबी बच्चा है। क्या मांग रहे भाई इसका? इसका भाई अपन 65 डिमांड कर रहे हैं। 65,000 डिमांड कर रहे हैं, उसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा? स्लाइटली नेगोशिएबल। अपना नंबर बोलो ना फात भाई। 7039788864। अपना बारह नंबर क्या है? बारह नंबर है भाई 849 बारह नंबर है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो 849 बारह नंबर है। S3 में 849 बारह। इनके पास मतलब अंडुल भी है, खस्सी भी है, सब टाइप की बकरे अवेलेबल है। आप लोग को एक बार मैं ओवर व्यू बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप लोग। पटेल गोट फार्म है इनके फार्म का नाम, ठीक है फाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग देख सकते हैं बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं हम लोग भी भीग गए। तो अवॉइड करो थोड़ा एक दिन, एक या दो दिन बकरे लेने से, क्योंकि यहाँ पे बकरे बहुत ज़्यादा भीग रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तंजील भाई भी वीडियो बना रहे, भीग गए। हम लोग सिर्फ धक्का गेट बना करके फिर ब्लॉग को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। सारे व्यापारियों का भी हाल बेहाल हो गया है, देखो पूरा पानी पानी हो गया, बारिश ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, बकरे भी भीग रहे हैं और व्यापारी पानी निकालने की कोशिश कर रहे जितना हो सके। और आज का काउंटिंग ये है, देवनार पूरा पानी पानी हो गया है, हम लोग भी भीग चुके पूरा। देखो आप लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं, तो इसके लिए अवॉइड करो जब तक बारिश है, जब तक बारिश हो रही तब तक अवॉइड करिए आने के लिए देवनार। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो पूरा पानी पानी हो गया है। तो व्यापारी लोग बेचारे पकड़ रहे, कैसे भी संभाल रहे हैं बकरों को, तो ताकि भीगे नहीं और ख़राब नहीं हो बकरे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर है, यहाँ पर धक्का गेट से अभी कुछ भी एंट्री नहीं हो रही है बकरों की, एंट्री सब बंद हो चुकी है, रुका दिया गया एंट्री को। मत लेके जाइए, ये बकरा भीग गया तो बीमार पड़ सकता है, चार दिन पाँच दिन एक हफ्ता बाकी है, जो जो भी बाकी है। तो ऐसा मत कीजिए कि बकरा बीमार पड़ जाए,